वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज का हमारा पाठ है सूरदास के पद और आप सभी को नमस्कार है। शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। सबसे पहले तो सभी को मैं हेलो करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको कह रही हूँ हेलो एवरीवन। अभी सूरदास के पद जो हैं इसमें गोपियों के द्वारा उद्धव जी पर व्यंग्य किया गया है। सबसे पहली इसकी खास बात ये है। तो हम चलिए शुरू करते हैं अपना पूरा चैप्टर। सबसे पहले मुख्य बिंदु बता रही हूँ, अंत में मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो बताने वाली हूँ। तो पूरा चैप्टर ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहले सूर सागर जी के द्वारा ये रचित है और भ्रमर गीत में संकलित किया गया है। दूसरी इसकी खास बात क्या है कि इसमें गोपियों के द्वारा उद्धव जी का मजाक उड़ाया गया है, साथ ही उन पर व्यंग्य किया गया है, उनकी प्रेमहीनता पर व्यंग्य किया गया है और तभी उनकी तुलना कमल के पत्ते से की गई है। और जल में जो गगरी रहती है जिस पर पानी नहीं रहता है और तेल की गगरी जिसे कहा जाता है उसको कह करके उनका मजाक उड़ाया गया है। तो हमारा पहला पद शुरू होता है इस प्रकार से कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, यानी कि उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम तो स्नेह के धागे से बिल्कुल दूर रहते हो। नाहीन मन अनुरागी, तुम्हारे मन में कोई भी अनुराग नहीं है, प्यार प्रेम नहीं है कृष्ण के प्रति। पुरेनी पात रहते जल भीतर, कैसे प्रेम प्यार नहीं है, जैसे कि जल के भीतर कमल का पत्ता रहता है। तारस देह न दागी, और उस पर कोई भी पानी का दाग भी नहीं लगता है। जो जल माह तेल की गागरी, बूंदना ताको लागी, तुम किस प्रकार से रहते हो, जैसे तेल की गगरी होती है पानी में रहती है लेकिन उस पर एक बूंद भी दिखाई नहीं देती पानी की। प्रीत नदी में पावन बोरो, दृष्टि न रूप परागी, तुम तो कभी भी प्रेम की नदी में तुमने अपने पांव नहीं डुबाए और तुमने कभी भी इस दृष्टि से कृष्ण को नहीं देखा। सूरदास अबला हम भौरी, गुरु चीटी जो पागी, हम ही अबला भौरी हैं कि हम ऐसे ही कृष्ण के प्रेम में लगी रही जिस प्रकार से गुड़ पर चीटियां लगी रहती हैं। मन की मांझ रही, गोपियां कह रही हैं कि उनकी जो व्यथा कहने की बात थी वो उनके मन में ही रह गई है। कहिए जाए कौन पै उधो, ना ही परत कही, हम कैसे अपनी व्यथा को कहें, उद्धव जी हमसे कही नहीं जा रही है। अवधि आधार आस आवन की, तनमन अविथा सही, कि अभी तक तो हमें कृष्ण के आने की आस थी लेकिन इसी चक्कर में हमने अपने तन और मन की व्यथा सह ली। अब इन जोग संदेश ही सुनु सुनी, विरही नी विरही, अब तो हमें ये जोग के संदेश सुन सुन करके हमारी अग्नि जो है विरह की और भी अग्नि प्रज्वलित हो गई है, जल उठी है। चाहते होते गुहार जी तही थे, उत तही धार वही, हम चाहते थे कि कृष्णा आएंगे तो हम अपनी गुहार लगाएंगे, उन्हें अपने मन की बात कहेंगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सूरदास अब धीरे धरही, क्यों मरे ज़्यादा न लही, कि हम अब कैसे धीरज धारण करें क्योंकि हमने तो अपनी मर्यादा ही खो दी कृष्णा के प्रेम में, और अब जब कृष्णा लौट करके नहीं आए हैं तो हमारी मर्यादा ही खत्म हो गई है, नहीं रही है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, यानी कि हमारे लिए तो हरिहारिल की लकड़ी के समान है। हारिल होता है एक पक्षी जिसके पाँव में हमेशा एक लकड़ी रहती है और वो सोचता है कि उस पर बैठेगा तो गिरेगा नहीं। उसी प्रकार से गोपियाँ श्री कृष्ण को यहाँ पर सहारे की तरह बता रही हैं, जैसे लकड़ी का सहारा हारिल पक्षी का सहारा होता है। फिर वो कहती हैं, मन क्रम वचन नंद नंदन, और यह जड़ कृपा करी, हमने तो अपने मन से क्रम से वचन से कृष्णा को अपने मन में बसा लिया था और उन्हीं का हमने दृढ़ करके पकड़ लिया था, हमें लग रहा था कि वो हमें हारिल पक्षी की लकड़ी जैसे सहारा देंगे। फिर कहते हैं, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, काने काने जकरी, हम तो जागते सोते स्वप्न में दिन में रात को हर समय काना काना के नाम की जप करती रहती हैं। सुनत जोग लागत हैं ऐसो जोग और ही ककरी, हमें तो योग का संदेश सुन करके ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी को खा लिया हो। सूतो व्याधि हम कौले आए,
सूतो व्याधि को हम कौन ले आए, देखी सुन न करी। तुम कैसी बीमारी लेकर के आए हो, हमने तो ना कभी देखी है ना सुनी है, ना कभी हमें यह बीमारी लगी है। यह तो सूर तिन्हें ले सौंपो जिनकी मन चकरी। कहते हैं कि हे सूरदास, यह बीमारी उन्हीं को ले जा कर के सौंप दो जिनके मन में चंचलता है, यानी जिनका मन स्थिर नहीं है। हम तो अपने कान्हा के प्रेम के प्रति हमेशा स्थिर हैं, तो यह हमें जोग का संदेश अच्छा आपका नहीं लगा और आप तो इसे ले जाइए। फिर वो कहती हैं उद्धव जी को, हरि है राज नीति पड़ी आए कि है हे हरि हैं, मतलब यहाँ पर कृष्णा को कहा है कि कृष्णा जो हैं अभी तो राजनीति उन्होंने पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर यहाँ पर कौन है, मधुकर उद्धव जी को कहा है कि तुम्हें, तुम ये जो समाचार लेकर के आए हो, तुम यह समझ करके नहीं लाए हो उद्धव जी। एक अति चतुर हुतई पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कहते हैं कि कृष्णा तो पहले ही बहुत चतुर थे और अब तो उन्होंने वहाँ गुरु जी से ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, राजनीति भी सीख ली है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। हम तो उन्हें बड़ा बुद्धिमान मान रहे हैं कि जो हमने, हमें उन्होंने यह योग संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। हाँ, वहाँ वाले लोग तो बहुत ही भले लोग हैं जो दूसरों के हित के लिए भागते हुए फिरते हैं। अब अपने ही मन फेर पाए, चलत जुगते चुराए। तुम्हारे ही मन में फेर है जो तुम यह सब काम कर रहे हो। ते क्यों अनीति करें आप उन्हें और ये अनीति छुड़ाए। खुद तो अनीति करते हैं और दूसरों की अनीति छुड़वाने की कोशिश करते हैं। राजधर्म तो यही सुर जो प्रजा ही ने सताए। राजधर्म यह कहता है, राजा का धर्म यह कहता है कि प्रजा को सताया नहीं जाए। अभी मैं आपको इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान या अति बड़भागी क्यों कहा गया और उसमें क्या व्यंग्य निहित है। दूसरा प्रश्न है कि गोपियों ने उद्धव जी को क्या उल्हाने दिए थे और गोपियों ने मर्यादा न रही के माध्यम से किसकी बात कही है। साथ ही गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। यह चारों प्रश्न जो हैं, आप इनके प्रश्न उत्तर लिख करके इस पाठ को देख करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको सारे उत्तर आ गए, और अगर आए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आए हैं तो भी आप और प्रश्न पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।